गाइस अभी भी हम अंदर ही जा रहे हैं, बहुत ही ग्रीनरी हो चुके हैं मॉनसून स्टार्ट होते ही। यहाँ पे स्टॉप हो। अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं। सो देखते हैं यहाँ पे कैसा सब कुछ है। सो गाड़ी हम अंदर ही लेके जा रहे हैं। सो ये है बड़ी सिस्टर पायलागो। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेहुल गौरव के व्लॉग। सो गाइज आज हम आ चुके हैं जंगल में। ओ लेकिन जंगल में मंगल करने नहीं, बड़ा हरामी हो बेटा। जंगल में हम आपको सब दिखाने के लिए आए हैं, जो हमारी फ्रेंड्स है, जो आप लोग ने बहुत बार वीडियो में देखा है। फ्रेंड्स मतलब कि बड़ी सिस्टर हाँ, और मेरी छोटी। तो यही इसने बुलाया कि मेरे पापा की वो जो वाड़ी है तो हम लोग घुमाएंगे, तो देखते आए हैं। तो मुझे ये बताया इधर क्या क्या मिलेगा, मतलब क्या है क्या नहीं, दिखा सकती हो? ये शाय और इधर सब आम का पेड़ है। आम का पेड़ है। सो ये है, मानसून स्टार्ट हो चुका है दमन में। सो ये पूरा वाड़ी में ग्रीनरी है। चलो देखते हैं, जमरुख लगा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा यहाँ पे जमरुख का पेड़ है। हाय हाय, इतना सुकून। यहाँ पे मुझे सांप से डर लगता है, आना जाए यहाँ पे। अरे बाप रे, मुझे तोड़ना है। तोड़ दिया। देखो ये पूरा साथ में है, अभी कच्चा ही है ये। लेकिन मुझे ये खाना, लाना। और ये मुझे अभी खाना है क्योंकि फ्रेश एकदम। मुझे भी चाहिए यार, कहाँ पे है दूसरा, किधर है? ऊपर है, ऊपर मैं कैसे जाऊँ? अच्छा चलो लकड़ी लेके आते हैं। और इधर हमने दान किया है अभी पिंक वाला। अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा है। ये पैर, ये क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? जमरुक पैर। हाँ तो वो तो जैसा लगता है वैसा ही है, बहुत मस्त है। तोड़ी ना, पाके लो। नहीं, तोड़ने का मन कर रहा है ना तेरे को? हाँ तो तोड़ देना, ये थोड़ी मना करेगी। हाँ नहीं मना करेगी। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या दिखा रहे, लेकिन बस ऐसे ही हम लोग घूमने आ गए। बारिश का मौसम था। ये ऐसा लग रहा है जैसे दोनों जगह पे लगाए और मतलब कि स्वागत करे। अच्छा अभी तो सब जगह ये निकला है इसीलिए, बाकी इससे डेकोरेशन जैसा मुझे अच्छा लग रहा है। A few moments later. यहाँ पे ये जिगी के पापा है, वो यहाँ पे सब संभालते हैं। तो ये जगह है, गाय है, ये गाय है, गाय है। और वो वाली भी गाय है। छोटे हैं ना अभी। क्या नाम है? नाम कुछ किया? उसका नाम जमुना। क्या इसका नाम? गंगा और जमुना। कि जब मॉनसून खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए थे। तो मेरे को तो ये जगह बहुत पसंद आई है क्योंकि तभी तो बहुत अच्छी रहेगी। और पास में नदी भी है ना? वहाँ पे नदी है। सो गाइस यहाँ पे इतना अच्छा वेदर हुआ है, मानसून स्टार्ट है। यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है और पूरा ये वाड़ी में हम घूम रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। पीसफुल स्पेस है यहाँ पे, मिल सकता है और अच्छा है। अभी देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। कहाँ पे जा रहे हो तुम लोग? किधर किधर जा रहे? हम लोग को रुकवा दिया और फिर बोल रहे मैं आ रही हूँ। हाँ जी, अकेले इधर आई,
क्या क्या दिख रही है? मैं देख रही थी कि ऊपर अभी उस पे आम लगा है कि नहीं, बारह मास है ना, ये बारह मास है ना आम, तो उस पे लगा है कि नहीं लगा है, लगा है, लगा है, बड़ी है, इधर छोटी छोटी है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे साल लगता है। देखो देखो अभी इसमें हाँ, अभी इतना छोटा 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 है अभी, ये मॉनसून अभी तो आम का सीजन खत्म है, फिर भी अभी निकल रहा है, निकल रहा है, बारह मास जाए। चलो नींबू मसला किधर अभी? वाओ, ये मोर की आवाज है, मस्त आवाज है ये सच में गाइस, मजा आ रहा है। और ये रास्ता बोल चुका है यहाँ पे किधर से जाने का, हम लोग एडवेंचर वे में नहीं आए। हाँ सही है, किधर जा रहे? देख जी की कोई साफ बात ना हो। ऐसा तो नहीं ना कि इधर नाग और नागिन रहते हैं? हाँ है क्या ये मुझे 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 डर लगता है। अरे नींबू 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 गाइस देखो ये नींबू, ये नींबू है, ये छोटे वाला है, बड़े वाले और बाकी अभी दिखाना। ये छोटे वाले तो जो पिछले टाइम मेरे को दिया था, बड़े वाले वो अलग है, वो तो है। गाइस ये नींबू का पौधा है यार, नींबू को तो ऐसे ही देखते भी मुँह में पानी आ जाता है। तोड़ लो ये एक ही क्यों तोड़ने को बोल रही है, ये क्या आवाज आ रही है? कुछ आवाज आ रही है, अरे पैरी मन जाया करे उठा ले। इतने सारे पेड़ में नींबू है और ये देखना पांच ही नींबू तोड़े हम लोग ने। तो गाइस बारिश आने लगी है और हम इधर ही घूम रहे हैं। जिसने भी ये बताया और नींबू का पेड़ है बड़े वाले, हाँ तो ये लेके जा रही है, वहाँ पे जा रही है। यार मुझे डर लग रहा है कि यहाँ पे सांप ना निकल आए। हाँ सही है, ये मजाक अच्छा है। हाँ सच्ची बात है, नीचे देख के चलना। गाइस ये बड़ा सा नींबू का पेड़ है, पौधा है, क्या बोलते हैं, अभी छोटे छोटे ही है ना, इधर बड़े बैठते हैं ना। A few moments later, अभी ये एक ट्रिक बता रही है कि जब भी नींबू तोड़ना हो तो कैसे तोड़ना, मतलब क्या देख के तोड़ना चाहिए, जो आप अभी बता रहे थे मेरे को यो मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बोल रहे हैं? मतलब कोमल जैसा अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए तो ही तोड़ना, वो ही तोड़ सकते। ये सब नींबू है पूरा वहाँ, हाँ वहाँ पे भी नींबू है गाइस, यहाँ पे भी नींबू का ही पेड़ है। नींबू मॉनसून के वक्त ऐसे जगह पे जाना, वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, इतना भी डरावनी जगह नहीं है, मज़ा आ रहा है, कोई सांप बाप नहीं है, नेचर भी अच्छा लग रहा है। गाइस ये अकेले जा रही है, हम लोग को नहीं लेके जाती है ये, और बोल रहे कि इधर से मत जाना इधर से जाना लेकिन हम लोग जाएंगे इसके। हाँ पहले भी बीच में ऐसे ही चली गई ना, लगता है इसने कुछ ना कुछ खजाना छुपा के रखा है। तो देख रही है ये तो नींबू का ही खजाना है इधर। अभी वो बोल रही है और कुछ भी दिखाएंगे तो पता नहीं क्या है। देख अभी नींबू तो बहुत देखा, वापस नींबू के साइड ही लेके जा रही है। गाइस अंदर कुछ डरावना हो सकता है, सो हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि रिक्स। हाँ अच्छा देखो देखो देखा था, बचपन में ये वाले कांटे मेरे को बहुत लगे थे, ये जान निकाल देते थे। अच्छा ये कुछ इतना करते थे, मुझे डर लग रहा है कि कितना नींबू है देखो यार सच में। ये नींबू कौन सा है? ये अचार वाला नींबू है? नहीं तो कौन सा? नहीं नींबू ही बोलते बड़े वाले नींबू।
बड़े-बड़े नींबू, ये बड़े-बड़े नींबू ये मार्केट में जाता है, देखती तो बहुत बड़ा छतरा निकले ना मार्केट में जाते है ये नहीं। वहाँ पे मशरूम है लेकिन कौन से मशरूम खाने वाले नहीं खाने वाले, अचार अचार बनाया जाता है मशरूम का क्या अचार बनता है वो मैं नींबू की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो गाइस मजा आ रहा है अंदर घूमने के लिए हम लोग को, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि कहीं अंदर से कुछ निकलना है डर। मुझे तो एक ही बात का लगता है कि सांप ना निकला है, क्योंकि मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। और ये प्रैंक करने वाली या मजाक करने वाली नहीं पता, रस्सी से ठीक यार। ये डॉगी आ गया है, इसका नाम क्या है नहीं पता, छोटू है ये। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस हम लोग ने यहाँ पे छोटा सा एक मिनी ब्लॉग बनाया है वापस आप सभी के लिए। सो अभी हम लोग यहाँ पे नदी जाती है, सो वही नदी को देखने के लिए जा रहे हैं कैसा है नदी। यहाँ पे नदी है ना, हाँ जो वही नदी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आ जाओ फॉलो मी। सो देखते हैं यहाँ पे कैसी नदी है। और मैं यहाँ पे ये साइड फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, हालांकि इन लोग को मिलने के बाद ही मैं ये सब यहाँ पे घूम रहा हूँ, बाकी यहाँ पे मैं आता ही नहीं था। सो यहाँ पे इसने गाड़ी पार्क कर ली है, यहाँ पे शमशान भूमि है क्या? अच्छा शमशान भूमि है यहाँ पे, यही गांव की शमशान भूमि है। अच्छा तो हाँ, और यहाँ पे सारे गांव के लड़के लोग आके बैठते हैं, जो इतना भी डरावनी जगह नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग बैठते हैं आपको। और ये नदी की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये वही नदी है जो हम लोग जब गुजरात में जाते हैं तो कोलक नदी लगती है ना हम लोग को, ब्रिज दिखाते बार बार, वो यही नदी है जो अरब सागर से मिल जाती है। सही है। सो हम लोग अभी नीचे उतर रहे कि देखने के लिए कि ये नदी कितनी लंबी है। सो देखते हैं यहाँ पे, वैसे डरने वाली बात तो कुछ है नहीं यहाँ, कुछ भी नहीं है ना, अभी बारिश भी इतनी नहीं हुई कि पानी ऊपर तक चढ़ाए। बहुत लंबी है, वहाँ पे ब्रिज है ना, ब्रिज ये रहा ब्रिज, पाताली ब्रिज, ये रहे हम ये रही मैं, ये रही जिगी। वहाँ पे क्या कर रहे सब लोग, देखो वो लोग कुछ नहा रहे क्या, मसाला पकड़, अच्छा मच्छी लगा रहे। सही है। सो यहाँ पे क्या कर रहे, ये व्लॉग एंड कर दे अभी। हाँ अभी ज्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, ऐसे हम लोग घूमते यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप लोग को दिखा दिए, वीडियो में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जी कि आप कुछ बता दो ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं है लोग, कर दो भाई कर दो, बहुत अच्छे वीडियो इन लोगों के, मैं तो बहुत सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते हैं। हाँ ये करती है, हम लोग बोलते हैं तब करती है, ऐसे नहीं करती है। और ये दमन है ना, और वो गुजरात है ना, गुजरात लगा है, वो गुजरात है और ये हम लोग खड़े हैं वो दमन है। सही है। तो चलो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, शिया।